देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणियां करके सुर्खियों में बने रहने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने उन पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दी गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्राइम ब्रांच पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वीडी शर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। वे हर बार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व को अपमानित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने देश के अंदर, विदेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तित्व के खिलाफ एक बार नहीं कई बार आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि 100 बार भारत के प्रधानमंत्री को किस प्रकार से राहुल गांधी ने गालियां दी हैं, किस प्रकार से देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व का अपमान किया है और किस प्रकार से भारत के बाहर जाकर भारत के प्रधानमंत्री का, भारत का अपमान किया है। हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास जी, कृष्णा गौर जी, सुमित पचौरी जी और भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता, भगवान दास सबनानी जी, सभी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के, आज हमने एमपी नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।